सिंगरौली में एक मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। मोरवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि ग्राम कनुहड़ में किराने की दुकान पर बिस्किट लेने गई 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ 65 वर्षीय आरोपी ने दुराचार किया। बदनीयत से बैठे बुजुर्ग ने नाबालिका को प्रलोभन देकर खेत में उसके साथ दुराचार किया। जब उसकी खबर नाबालिग के परिजनों को लगी तो उन्होंने पुलिस में इसके खिलाफ मामला दर्ज कराया। थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने नाबालिका का मेडिकल परीक्षण करवाया और पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी राम विशाले प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया। ग्राम कनुहड़ में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट आई है, जिसमे हमने 376 एवं पास्को में अपराध दर्ज किया है। फरियादी की हालत ठीक है और जो आरोपी है राम विशाले सनाब बैजनाथ उसको गिरफ्तार किया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।